अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं जी नॉकिंग यूट्यूब चैनल और आज हम ट्रेड करेंगे जी क्यूटेक्स पे। आप लोगों को लाइव में ट्रेड भी करके दिखाऊंगा और समझाऊंगा भी कि कैसे आप लोगों ने यहाँ पे ट्रेड करनी है और कैसे यहाँ से प्रॉफिट बनाना है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं अपने यूट्यूब चैनल पे। जितने भी नए लोग हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल पे क्लिक कर दें। और उसके बाद अगर आपका अभी तक अकाउंट नहीं बना हुआ क्यूटेक्स पे, तो आप लोगों ने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आ जाना है। यहाँ पे लिखा होगा क्यूटेक्स क्रिएट अकाउंट लिंक, तो इस लिंक से आप लोगों ने अकाउंट बना लेना है। अगर आप लोग कंप्यूटर लैपटॉप इस्तेमाल कर रहे हो तो आपके पास ये इस तरह से आ जाएगी सेटिंग, तो आपको ये लिंक मिल जाएगा। अगर मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हो, मोबाइल से वीडियो देख रहे हो, तो आप लोगों ने ये जो क्यूटेक्स लिखा आ रहा है इसके ऊपर क्लिक करना है टाइटल पे, तो आपके पास ये नीचे डिस्क्रिप्शन का बॉक्स आ जाएगा, तो वहाँ पे ये लिंक मिल जाएगा। इस लिंक से आप लोगों ने अकाउंट बनाना है, क्योंकि कल को डिपॉजिट का, विड्रॉल का या वेरिफिकेशन का मसला होता है, तो आगे फिर बात करके हम आपका मसला हल करवा देते हैं। तो इसलिए आप लोगों ने जब भी अकाउंट बनाना है इस लिंक से बनाना है। इसको क्लिक करेंगे आगे वेबसाइट आ जाएगी, ईमेल पासवर्ड डाल के अपना अकाउंट बना लें। तो अब हम चलते हैं जी ट्रेड करने के लिए। यहाँ पे आप लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले अपनी करेंसी सेलेक्ट कर लेनी है कि जिस करेंसी पे आप लोगों ने ट्रेड प्लेस करनी है। करेंसी सेलेक्ट करने के बाद आप लोगों ने मार्केट को देखना है। किस तरह से देखना है अब मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले आप लोगों ने देखना है कि मार्केट किस तरह से चल रही है, मतलब मार्केट ट्रेंड के हिसाब से चल रही है या एक जगह पर काम कर रही है। तो अभी के हिसाब से ये ट्रेंड के हिसाब से चल रही है, देख रहे हो कि ट्रेंड बना है, यहाँ पर मार्केट मुसलसल नीचे गिर रही है। तो जब मार्केट एक दफ़ा मुसलसल नीचे गिर रही होगी, जिस तरफ भी जा रही होगी, आपने पीछे वाला भी उसका रिकॉर्ड चेक करना है कि उससे पहले मार्केट कहाँ तक गिरी थी, समझ गए हो, कहाँ तक गिर के फिर दोबारा जो है ना वो अप लेवल पे जाना स्टार्ट हुई थी। तो मार्केट यहाँ तक नीचे गिरी थी और इसके आसपास जैसे ही ये वाली लाइन आएगी, ये जो अप डाउन हो रही है, ये जो अप डाउन हो रही है लाइन, ये वो वाली लाइन है जो करंट जो है ना वो कैंडल चल रहा है, मतलब जो करंट मार्केट चल रही है। और इस हिसाब से हमने मार्केट को देख लेना है कि मार्केट डाउन कहां तक आई है। तो बहुत ज़्यादा डाउन आ चुकी है मार्केट, इसके करीब करीब जब आ जाएगी तो आप लोग इजीली, अगर तो इसके करीब भी आ चुकी है और मार्केट बहुत स्पीड से नीचे गिरी है, मतलब लंबी कैंडल्स बना के गिरी हैं, तो फिर एक दो कैंडल्स की सपोर्ट मिलेगी, मार्केट थोड़ी यहाँ पर फिर रुक सकती है, समझ गए। तो मार्केट यहाँ पर थोड़ी रुक सकती है, समझ गए। तो अब हम रुकने का इंतज़ार करेंगे कि मार्केट कहाँ पे रुके, क्योंकि जब भी मार्केट रुकेगी तो उसके बाद हम कॉल करेंगे 3-4 मिनट आगे करके, तो फिर हमें प्रॉफिट मिलेगा यहाँ से। एक अच्छी ट्रेड करने के लिए आप लोगों को इंतज़ार करना पड़ेगा। तो पीछे देखोगे जाके तो यहाँ पे मार्केट इसके करीब करीब आ चुकी है। अब ज़रूरी नहीं है कि मार्केट बिल्कुल इस लेवल तक आए नीचे, अक्सर इससे इसके करीब यहाँ तक अब डिपेंड करता है कि मार्केट कितनी स्पीड से नीचे गिर रही है, समझ गए हो। अब ये बहुत ज़्यादा स्पीड से मार्केट नीचे गिर चुकी है, अब ये बहुत अच्छी लेवल पे नीचे आ चुकी है। तो हम यहाँ से करते हैं अपना टाइम आगे, ठीक हो गया, ये टाइम हमारा आगे चले गया और यहाँ से $200 कॉल पे लगा देते हैं। ये हमने $200 यहाँ पर कॉल पर लगा दिए हैं और टाइम आगे करके, समझ गए हो ना, उसी कैंडल पर नहीं लगा देने, क्योंकि उसी कैंडल पर आपको थोड़ा रिस्क फेस करना पड़ जाएगा, एक आधी कैंडल नीचे भी आ सकती है। तो जब आप लोग टाइम आगे करके ट्रेड लगाओगे तो फिर आप लोगों को सेफ मार्जिन मिल जाएगा, अगर आप लोग अच्छी ट्रेड प्लेस कर दोगे। तो आपके सामने यहाँ पे हमने $200 की ट्रेड प्लेस कर दी है टाइम आगे करके। तो अब जैसे ही कैंडल चलते चलते यहाँ तक पहुँचेंगे, इस लाइन तक, क्योंकि ये हमारी एंड लाइन है हमारी ट्रेड की, समझ गए, तो फिर हमारा रिज़ल्ट आ जाएगा। तो अब देखते हैं हम कि विन करते हैं या लॉस करते हैं। आपके सामने ये ट्रेड चलेगी, आपके सामने मार्केट चल रही है, तो ये ट्रेंड के हिसाब से ट्रेड करनी पड़ती है कि मार्केट किस तरफ जा रही है और कहाँ पे जाके रुके, जहाँ पे रुकेगी मार्केट वहाँ से आप लोगों ने क्या करना होता है, फिर कॉल करनी होती है। जैसे कि आपके सामने हमने यहाँ से ट्रेड प्लेस कर दी है, तो मार्केट अब ऊपर आना स्टार्ट हो गई है, तो उम्मीद है कि हम यहाँ पर विन कर जाएंगे। तो अब इंतज़ार करते हैं और इंतज़ार करते करते अब आपके साथ क्या बातें करें, क्योंकि ट्रेड थोड़ी लंबी चल रही है, टाइम आगे किया हुआ है। तो अब बैठा बंदा, चलो मैं आपको मार्केट का समझा देता हूँ। अब मैंने यहाँ पे ट्रेड क्यों प्लेस किया है आपको मैं ये समझाने लगा हूँ। देखो मार्केट, जब भी आप लोगों ने ट्रेड करनी है, आप लोगों ने मार्केट देखनी है, मार्केट सबसे ज़्यादा डाउन कहाँ पर है, सबसे ज़्यादा अप कहाँ पर है, समझ गए। अब इस डाउन और अप को आप लोगों ने फिर देखना है कि कितनी स्पीड से गिरी मार्केट,
समझ गए, ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं कि मार्केट कितनी स्पीड से नीचे गिर रही है। जब मार्केट बहुत ज़्यादा स्पीड से नीचे गिरती है ना, तो तीन चार कैंडल लंबी बन के नीचे गिरती हैं जैसे ये गिरी हैं, तो उसके बाद फिर मार्केट थोड़ा रुकती है, थोड़े अपने आप को अप करती है। समझ आ गई? तो जैसे कि यहाँ पे मार्केट बहुत ज़्यादा स्पीड से नीचे गिरी, और यहाँ पे जाहिर बात है जब गिरी है तो थोड़ा यहाँ पे आके थोड़ा अब रुकेगी और हम इंशाल्लाह ताला विन भी करेंगे, तो इसलिए हमने यहाँ पे फिर कॉल कर दी थी। अब एक तो ये चीज़ हो गई। अब दूसरे नंबर पे ये भी पॉइंट आ जाता है कि आप लोगों ने देखना कि मार्केट जब ये गिर रही है तो इससे पहले वाला पॉइंट मार्केट का कौन सा था जहाँ पे बिल्कुल लास्ट लेवल पे आके गिरी थी मार्केट, ये वाला पॉइंट, समझ गए हो? अब बहुत सारे लोग YouTube पे वीडियोस बनाते हैं जी मार्केट इस लेवल तक आएगी, इस लेवल तक आएगी, तो ऐसा नहीं होता। अक्सर इस लेवल तक गिरती गिरती जब गिर रही होती है तो पिछले लेवल तक आ जाती है। अक्सर ऐसा भी होता है कि थोड़ा ऊपर से भी स्टार्ट हो जाती है कॉल की तरफ ट्रेंड बनाना, ट्रेंड कॉल की तरफ चले जाता है। अक्सर ये भी होता है इससे थोड़ा और मज़ीद मार्केट गिरती गिरती नीचे चले जाती है, और नीचे जाकर फिर दोबारा कॉल की तरफ जाना ऊपर ही होता है। इसने ये मार्केट का सूल है, जब भी मार्केट ऊपर जा रही होती है उसने गिरना लाजमी होता है। ये ऐसा नहीं होता कि मार्केट गिरती जा रही है, साल पूरा गिरती जा रही, गिरती जा रही, गिरती जा रही है, और मतलब ये ऐसा नहीं होता। बहरहाल मार्केट का जो ना असूल है, कॉल पे मतलब मार्केट अप जाएगी तो मार्केट डाउन भी जाएगी, तो इसलिए ज़रा आप लोगों ने इन चीज़ों को समझना है और इन चीज़ों को जहन में रख के फिर आप लोगों ने ट्रेड प्लेस करनी होती है, तो इस हिसाब से फिर आपका ज़रा एक्सपीरियंस अच्छा बनेगा और आप लोग अच्छी ट्रेड करोगे। तो ये हमारा भी मतलब कैंडल बन रहा है, ट्रेड चल रही है, तो इससे भी आगे मतलब इससे आगे भी और कैंडल बनेंगे तो फिर हमारा रिज़ल्ट आएगा। हमारी ये वाली एंड लाइन है, यहाँ तक जब हमारे कैंडल बनेंगे तो फिर हमारा रिज़ल्ट आएगा। तो अच्छी जगह पे ट्रेड प्लेस की है हमने यहाँ पे, तो अब देखते हैं कि भाई क्या रिज़ल्ट आता है, क्योंकि मार्केट हमने ज़रा एक्सपीरियंस के हिसाब से ट्रेड प्लेस की है। मार्केट ज़रा गिरी है नीचे अच्छे तरीके से, देखो ना, तो जब गिरेगी सही तरह से तो फिर ज़ाहरी बात है रुक के जब मार्केट ने ऊपर जाना है तो फिर विन कर जाता बंदा। तो आपके सामने यही चीज़ें सारी मैंने माइंड में रख के ट्रेड प्लेस की है, और आपके सामने अब रिज़ल्ट भी आ जाएगा। तो ये जो कैंडल चल रहा है इस पे हमारा रिज़ल्ट आ जाएगा ये जब क्लोज होगा, तो आपके सामने हमने ट्रेड प्लेस की है, आपके सामने भी रिज़ल्ट आ जाएगा। तो अब देखते हैं भाई, अच्छी ट्रेड करेंगे तो अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा, और ज़रा जल्दबाजी करोगे तो फिर आप लोग अपना लॉस कर लोगे। तो इसलिए इंतज़ार की मतलब इंतज़ार करोगे अच्छी जगह का तो आपको अच्छी जगह मिलेगी लाजमी, तो फिर आप लोग ट्रेड किया करें इस तरह से जैसे मैंने आपको समझाया सारा कुछ। तो हमारा रिज़ल्ट आने लगा है 3, 2, 1 और ये कैंडल क्लोज हो गया। ये हमारा रिज़ल्ट आ चुका है, $200 हमने ट्रेड पर लगाए थे, 364 हमें टोटल मिल चुके हैं, मतलब हमारा रिज़ल्ट पॉजिटिव आया, हम विन कर चुके हैं, जीत चुके हैं। तो ये सारा कुछ आप लोगों को मैंने एक्सप्लेन भी किया, समझाया भी है ट्रेड आप लोगों ने कैसे करनी है, मार्केट को कैसे आप लोगों ने जो है ना वो देखना है। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों ने अपने जहन में रखनी है ट्रेड करते वक्त, कि आप लोगों ने जब भी ट्रेड करनी है अच्छा पॉइंट कैसे आप लोगों ने ढूंढना है। आप लोगों को अच्छा पॉइंट मिलेगा लाजमी, लेकिन एक्सपीरियंस के हिसाब से जल्दबाजी करोगे तो फिर आप लोग अपना लॉस करोगे। इसलिए जब भी ट्रेड करो ज़रा एक्सपीरियंस के हिसाब से करो, और ट्रेड करने के कुछ रूल्स हैं कि जब भी आप लोगों ने ये काम करना है ट्रेडिंग वाला, बाइनरी ऑप्शन वाला, तो ये रिस्की काम, कोई भी बंदा लोन लेके ये काम ना करे, कोई भी बंदा जो है ना वो कुछ चीज़ बेच के काम ना करे, ये काम है एक्स्ट्रा इनकम का। अगर आपके पास एक्स्ट्रा पैसे हैं तो ये काम करो, नहीं है तो फिर ये काम ना करो। वीडियो अच्छी लगी है वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, खुदा हाफिज़, गुड लक।